बहुत शुक्रिया करते हैं दिल की गहराइयों से श्री अरविंद मूर्ति जी का, जिनके जरिए हम आज यहाँ आने का मौका मिले है हमें, और इतने बहुत बड़ा परिवार है ये, इसमें शामिल होने का कुछ बोलने का भी मौका मिल रहा है। साथ ही साथ में श्री फैसल खान साहब उदयखंड गार के हैं, यहाँ तक आने का सफर जो हमारा 25-26 साल का काम का है, जो अनर्गने सेक्टर में हम कर रहे हैं, तो यहाँ तक खड़ा करने का, यहाँ तक आने का, आने में भी उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। हम उनका भी दिल से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। चांद भाई हैं खुदा के दुर्गा की सारी टीम का, तो यहाँ तक हमारे काम का तल्लक है। तो हम 25-26 सालों से अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, मनरेगा है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, खेती खेतों में काम करने वाले लोग है, और ज्यादातर जो लोग यहाँ हमारा काम है हमारे यूनियन का, वो है भट्टा मंदिरों में। तो भट्टा मंदिरों में क्या है कि समय समय पर बदलाव आता रहता है। अभी क्या है कि अभी ज्यादातर भट्टों पर जो भट्टों पर काम करने वाले लोग हैं वो यूपी और बिहार से जाते हैं, माइग्रेंट हैं, तो वो भट्टा वाले से तो रेट कम नहीं लेते हैं। जो जमादार है जिन्होंने कम से कम किसी ने 4, 5, 6, 7 भट्टे अपने ले रखे हैं, मालिक से बात कर लेते हैं, तो वो अपनी जो लेबर लेकर जाते हैं उनको भी 100-150 रुपये कम देते हैं। और भी पंजाब में इस टाइम 900 रुपये मिनिमम वेज है, और मिट्टी बनाकर गारा बनाकर देती है मशीन, हर एक भट्टा मालिक 200-250 रुपये 300 रुपये उसका काटता है, वो चले गए और उससे 100-150 रुपया जमादार काट लेता है, तो मैं 450-550 रुपया लेबर को मिलता है। तो हम उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अगर उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है। अगर समाज में आज हमारा नाम है, मान सम्मान है, जैसे उन्हीं लोगों के लिए क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि भट्ठे पर जो 65-70 साल की उम्र की महिला जो भी काम करती है तो उसमें हमें हमारी माँ नजर आती है, अगर 18-20 साल की लड़की काम करती है तो हमें हमारी बेटी नजर आती है। भट्ठा अभी हमारे भट्ठा मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने की बात चल रही है, हम कोशिश कर रहे हैं, किसी संस्थाओं के साथ भी हमारी बातचीत हो रही है और भट्ठा मालिकों के साथ भी हमारी बातचीत हो रही है, और जो गांव के नजदीक भट्टे हैं वहां हम कोशिश करते हैं कि उन बच्चों को उन गांव के सरकारी स्कूलों में भर्ती करवाने का काम भी थोड़ा बहुत करते हैं हम। हमारी जिम्मेदारी नहीं है उनके बच्चों को पढ़ाने की, लेकिन इसलिए पढ़ाते हैं, इसलिए ये काम शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये अपने लोग हैं, हमारे लोग हैं। आज दुख की बात ये है कि हमारे जो लोग काम करते हैं, हमारा भाईचारा दत्त भाईचारा है, एक तरफ हम कहते हैं कि दुनिया चांद पर चले गई और दूसरी तरफ जो हमारा भाईचारा है दत्त लोग मजदूर लोग वही के वही, इस बात का दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि जो बहुत बड़े संगठन है, जो बड़े बड़े मंचों पर, बड़े बड़े स्टेजों पर बड़ी बड़ी डीगे मारते हैं कि हम ये कर दे वो कर दे, ये कर दिया या वो कर दिया, तो फिर ये सब कुछ कर रहे हैं तो मनरेगा पूरी पूरी इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में मनरेगा है, पूरे पंजाब में मनरेगा है, पूरे गांव में, हर एक गांव में मनरेगा है, यहां मनरेगा वहीं कोई ना कोई यूनियन भी है, चाहे किसी भी ग्रुप की हो, क्योंकि किसी भी स्टेट में एक या दो यूनियन नहीं होती है, संगठन नहीं होता है, चाहे कोई भी फील्ड हो। तो इसलिए अगर इतनी सारी यूनियनें हैं तो मनरेगा मजदूरों से आज गंदे नाले क्यों साफ कराए जा रहे हैं। दुख इस बात का है कि जो बहुत बड़े बड़े संगठन है उन्होंने अपना करोड़ों रुपये बना लिया, पता नहीं कहां से पैसा हुआ है, उन्होंने अपने बच्चे, किसी ने अमेरिका सेंड करवा लिए, किसी ने कनाडा सेंड करवा लिए, किसी ने बंगले पा लिए, किसी ने कोठियां बनवा ली, अपनी गाड़ियां ले ली, लेकिन मजदूर के हालात नहीं के वही, और इसीलिए काम कर रहे हैं क्योंकि हमें वो काम करना पड़ेगा, हम काम कर रहे हैं, हमारे पास इतने बड़े रिसोर्स नहीं है, इतने लोग भी नहीं है, लेकिन फिर भी जितने हमारे पास रिसोर्स है, जितना हमारे पास समय है, जितना हम कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, क्योंकि अपने लोग हैं, अपना भाईचारा है, उनके लिए करते हैं, तो आज यहाँ तक बैठे हैं और आगे भी जब तक हमारे सांस में सांस है करते रहेंगे, क्योंकि वो हमारे भाईचारा है, हमारे अपने लोग हैं। तो सबसे बड़ी खुशी इस बात की है क्योंकि ये WPC का जो मंच अब बन रहा है, मुझे इस बात की खुशी भी है क्योंकि दिल्ली आना जाना बहुत सालों से है, लेकिन पता हमें पहली बार लगा, वो भी अरविंद मूर्ति जी अगर ना बोलते तो शायद अभी भी हमें ना पता लगता, क्योंकि ये भी कोई मंच है जो ये बात कर रहा है कि कोई संगठन चाहे किसी भी फील्ड में काम करता है, किसी मजदूर के लिए काम करता है, महिलाओं के लिए काम करता है, किसी भी तरीके से काम करता है, उससे लेना देना नहीं है, सिर्फ लेना देना तो ये है कि एकजुट होकर एक मंच पर आकर इकट्ठे होकर काम करना है, यही हमारी बात पूरे पंजाब में भी हम करते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि जैसे बोर्ड बने हैं पूरे इंडिया में, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड जो बोर्ड बना है उसका अभी क्या है कि जो चीनी बेचने वाला उसने भी लिख दिया कि यहाँ आपकी रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है, सरकार भी यही चाहती है कि ये काम यूनियन के हाथ में ना आए, यूनियन के हाथ में आगे तो ये लोग इकट्ठा होकर तो सब कुछ लेंगे, क्योंकि पंजाब में सबसे पहले क्या था कि जब जिसकी रजिस्ट्रेशन हो गई उसकी डेथ के बाद 4-4.5 लाख रुपया मिलता था, अभी वो सवा तो कर दिया, उसको तोड़ रहे हैं। तो इसीलिए जो आदमी
जिसको पता है कुछ भी पता नहीं है, लेबर के मुद्दों के बारे में नहीं पता है, लेबर क्या होती है उसके बारे में नहीं पता है, चाहे वो स्कूल से हटा है चाहे कहीं और से, जिसने दो तीन लोगों की रजिस्ट्रेशन करवा दी, वो ये बोलता है कि पूरी दुनिया में मेरे जैसा नेता ही कोई नहीं है। तो ये है कि वो उनके गर्दन में अहंकार के कीले है, तो वो हम ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते, लेकिन फिर भी प्रश्न करते हैं कि भाई ये मुद्दे ऐसे, कोई मनरेगा के लिए काम कर रहा है, कोई भट्टा मजदूर के लिए काम कर रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए काम कर रहा है, कोई खेती में काम करने का उनके लिए काम कर, कोई 20 आदमी कोई ले बैठा, 30 आदमी कोई ले बैठा, 40 आदमी कोई, सभी मिलकर काम हम क्यों नहीं करते। तो सबसे बड़ी मुझे खुशी इस बात की ये WBCA ये काम कर रहा है, तो हम जरूर कामयाब होंगे। हम जितना काम कर रहे हैं आप यहाँ आकर मुझे और भी इस बात की खुशी मिली है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया निर्भय। थैंक यू, थैंक यू धनुम भाई। आई थिंक आपने जो बात रखा, और मुझे लगता है कि पिछले बात सत्र में संदीप ने बात रखी थी, संदीप पुरावन ने जी ने, कि भाई कैसे हम लोगों को मिलकर भी काम करने की जरूरत है। अलग अलग फील्ड में काम करते होंगे, लेकिन अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हमारे सबके लिए अच्छा रहेगा। तो थिंक और आपके जो टेवर है और आपका जो पूरा और बात रखा, बिल्कुल वाजिब बात है। अच्छा लगा कि आप संघर्ष कर रहे हो वहां पे, आपको संघर्ष सलाम, सब लोग हम शामिल आपके संघर्ष में। अब मैं चाहूंगा